मैं इस्टाबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि थी और इस मौके पर पूरे मुंब्रा शहर में जो है बैनर लगाए गए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। सभी राजनीतिक पार्टियां के तरफ से बैनर लगाए गए थे, सामाजिक संस्थानों की तरफ से भी बैनर लगाए गए थे और इसी में एक रीदा रशीद की जो संस्था है अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन, इनके तरफ से भी रोशनी महल के सामने जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बैनर लगाया गया था। लेकिन वो बैनर जो है फाड़ने की खबर सामने आई कि किसी ने उस बैनर को फाड़ दिया है। ये कहा जा रहा है कि राजनीति के तहत किसी ने बैनर फाड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि किसी शरारती तत्व ने इस बैनर को फाड़ दिया है। हालांकि रीदा रशीद की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में लेटर भी दी गई है और कार्रवाई की मांग भी की गई है। लेकिन वही प्रवीण पवार जो दलित समाज के नेता है, उन्होंने भी इसकी खबर जब जैसे ही उनको लगी, उन्होंने भी मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जो है एक लेटर दिया है और जिसने भी ये बैनर फाड़ा है उस पर जो है पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। जो सीसीटीवी है उस इलाके की, उसकी छानबीन भी करने के लिए कहा है। हमारे साथ यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक पर प्रवीण पवार और जो है तमाम लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। प्रवीण भाई, जिस तरह से 6 तारीख को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी, उस मौके पर लगभग पूरे मुंब्रा शहर में बैनर लगे हुए थे और अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन का एक बैनर जो है रोशनी के सामने फाड़ दिया गया था, उनके तरफ से शिकायत लेटर भी दिया गया है पुलिस में, आपने भी दिया है, क्या कहें? 6 तारीख को सुबह मुझे पता चला कि अर्शिया वेलफेयर का एक बैनर वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण निर्वाण दिन का बैनर लगा था, वो बैनर फटा हुआ है। इसको फाड़ा या फटा उसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, तो हमने पुलिस स्टेशन को सीनियर कडलक साहब को लेटर दिया है हमारी संस्था के माध्यम से और हमने उसमें कहा है कि जिस किसी ने भी एक घिनौना काम किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे और प्रेस में ये मुद्दा चल रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि कोई तो इसका राजनीतिक फायदा उठा रहा है। तो अभी इतने सालों में कभी मुंब्रा में ये सब हुआ नहीं है। अभी जो मुंब्रा का माहौल खराब करने की कोशिश चल रही है और मुंब्रा में जैसी गंदी राजनीति चल रही है, उसकी मेरा तो यही कहना है कि इसके तहत ही ये सब हुआ है। और इसके हमने लेटर में ये भी कहा है कि अगर कोई गंदी राजनीतिक षड्यंत्र से ये कर रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के को चाहने वाले पूरे मुंब्रा में है, पूरे देश में है। तो ये बात को हम लोग ने उस दिन कम्प्लेट नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि मुंब्रा शहर का माहौल खराब हो। तो 6 तारीख को हमने लेटर नहीं दिया था, पर पुलिस स्टेशन को फोन करके हमारे जो पुलिस गोपनीय विभाग के लोग हैं उनको फोन पे हमने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप जांच कीजिए। तो फिर ये जो सोशल मीडिया पे सब चल रहा है, हम लोग ने इसको सोशल मीडिया या प्रेस के सामने इसलिए नहीं लाया क्योंकि हम मुंब्रा का माहौल खराब नहीं करना चाहते। चेतना मैडम, आप क्या कहेंगे इस पूरा मामले को लेकर? एक राजनीतिक रूपरंग से भी देखा जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है या फिर कोई शरारती तत्व इसको फाड़ सकता है। देखिए, जैसे पहले प्रथम दर्शनी तो हम ये कहेंगे कि जो कोई समाज कंटक है उसने इस कृत्य को अंजाम दिया होगा। हाँ, जिस तरह से बैनर फटा है उस हिसाब से लग रहा है। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए कि कोई राजनीतिक माहौल इसमें हो सकता है क्या, तो इसमें हम लोग गए 15-20 दिन से देख रहे हैं कि भाई जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने ही लिखे हुए संविधान के साथ में जिसका एक स्पेशल एक्ट है एट्रोसिटी, उस एक्ट के बारे में जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है और जिस तरह से उसके ऊपर एक्शन नहीं हुई है और उस एक्ट के साथ में जिसने खिलवाड़ किया उसी व्यक्ति का बैनर फटता है। हाँ, उसी व्यक्ति के संस्था का बैनर फटता है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस स्टेशन और एक्ट को अपना घर समझ लिया है, उसी हिसाब से चलते जा रहे हैं और उसी टाइप का बैनर उनके ही बैनर को ऐसी ये होती है। हाँ, ये थोड़ा सा हम लोगों को इसलिए राजनीतिक लगने लग गया है, दूसरा बाकी कोई वजह नहीं थी क्योंकि हजारों लोगों के यहाँ पर बैनर लगे हैं, सिर्फ उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसको हम लोग राजनीतिक समझ रहे हैं। हाँ, और बाकी दूसरी कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी किसी ने इस चीज को मैंने शरारती तौर पर किया है या हेतु पुरस्कार किया है तो उसको समझ मिलना चाहिए, इसलिए पुलिस ने एक्शन में आके इसके ऊपर कार्रवाई इन द सेंस पहले इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी उनके ही शब्द है हमेशा के हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे बाद में कार्रवाई करेंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करें और कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र। जो बैनर फटा है इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है?
अभी जो मैडम दीक्षा मैडम चेतना ने जो बोले कि हम यहाँ पे 14-15 दिन जो हमारे संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है और वो संविधान में से हमको जो एक कलम चला के एक सर हमारा ऊंचा करने के लिए जो एक कलम लिखे ले वो एट्रासिटी जो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जब आसन में बैठे थे तो जिसके बारे में हम लोग ने एट्रासिटी के दर्ज मामला दर्ज किया था और उसी का बैनर बाबा साहब का जो फटता है तो ये बहुत बड़ी मैं तो बोलता हूँ सियासत ही की तौर पे चाल चलने की सियासत चल रही है तो ये सब ऐसा होने नहीं मांगता। अगर आपको जब बाबा साहब अम्बेडकर को इतने चाहते हो तो ये ऐसे राजनीति मत लाओ। जो मुमरा में आज तक ये सब हुआ नहीं तो ये ऐसे माध्यम से फुकट किसी को ये समाज को आपस में टकराने की बात मत करो। जो ये समाज मुमरा में एक साथ भाईचारे से रहता है तो उसको एक जैसा ही भाईचारे से रहने दो। प्रवीण भाई राजनीति अपनी जगह है लेकिन अगर आप लोग राजनीति बता रहे हैं कि इसमें राजनीति हुई है तो क्या ऐसा आप मान सकते हैं कि राजनीति अपनी जगह है क्योंकि उस पर किसी और का फोटो लगा नहीं था तो उस बैनर को कोई भी हो फाड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि उसमें बाबा साहब का फोटो था। मेरा तो यही कहना है कि बाबा साहब को चाहने वाले सभी है तो जो जो भी बैनर बुमरा में लगता है भले वो कोई पार्टी का हो कोई संस्था का हो किसी का भी बैनर हो कभी भी कोई भी महापुरुष का खाली बाबा साहब का नहीं कोई भी महापुरुष का कोई भी बैनर लगता है तो उसको फाड़ने का या उसको गंदा करने का या उसकी विटंबना करने का कोई भी प्रयास नहीं होना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम यहाँ पे अनशन में बैठे थे तो मुमरा शहर के सभी बड़े उलमा सभी मुस्लिम भाई यहाँ पे शामिल हुए थे और उन्होंने हमारा अनशन छुटाया। तो हम मुमरा में बड़े भाईचारे से रहते हैं दलित मुस्लिम हिंदू सब हम एक सारे साथ रहते तो ये एकता खराब करने का किसी राजनीतिक लोगों का ये षड्यंत्र लगता है तो इसके ऊपर पुलिस को कार्रवाई जरूर करना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से दलित समाज के जो नेता है प्रवीण पवार इन्होंने भी पुलिस में लेटर दिया है कार्रवाई की मांग की है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो बैनर लगाया गया था वो फाड़ने की घटना जो है 6 दिसंबर को हुई थी। अब इस पर जो है पुलिस प्रशासन को दोनों तरफ से लेटर दिया गया है अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से भी और प्रवीण पवार की तरफ से भी दिया गया है और इसमें राजनीति की भी बात भी आ रही है लेकिन बहरहाल ये पूरा जांच का मामला है। पुलिस इसमें जांच करेगी कि क्या जो बैनर फाड़ा गया था वो किसी राजनीति के तहत षड्यंत्र के तहत फाड़ा गया या फिर किसी राह चलते हुए शरारती तत्व ने इस बैनर को फाड़ दिया। बहरहाल ये पुलिस जांच में ही साफ होगा। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान प्रहार टाइम्स मुमरा।